हाय गाइस, गला बैठ रहा है मेरा। आई डोंट नो व्हाई, कागज करके भी सोई थी रात को। आई जस्ट वोक अप, दिख रहा होगा मेरा गाल, आँख सब सुन हो गया है। कॉफ़ी पी रही हूँ, पानी कल का है, गर्म किया हुआ है, शाम का है। एंड एक बात बोलने वाली थी, इट्स 12 o'clock गाइस। मैं रात को पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट 3:45 हो गया था, फिर सोते सोते 4:30 हो गया, देन मनीष बोल रहा है कि टाइमिंग मेंटेन करो, फिर एग्ज़ाम जब होगा सुबह है ना, एग्ज़ाम तो 9 बजे, एग्ज़ाम 9 बजे है, पर मुझे उठना जल्दी पड़ेगा। मैं एग्ज़ाम से पहले पढ़ती हूँ, पर ऐसे फुल थ्रॉटल नहीं जाती कि पैनिक ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बस शांत मोड में रिविजन करना होता है, दैट्स इट। तो इनफैक्ट मैं तो 8 को ही ख़त्म कर देती हूँ, बस 9 को अब टाइम वेस्ट तो नहीं करना है बोल के देख लेती हूँ। आई एम नॉट अ बिलीवर कि इतना टाइम था, फिर एंड मोमेंट एक दिमाग में म्यूजिक आ रहा है पर बोल नहीं पा रही कौन सा है। कॉफी पी रही हूँ एनीवेज। तो अभी उठी हूँ, आई थिंक 7-7 घंटे तो सही होगी, बिकॉज मुझे नींद आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, पता नहीं, मे भी 5 भी बज गया था। तो मैं सोच रही थी 11 बजे उठ लूँ, पर फिर नींद नहीं आ रही, नींद ना आता, ऐसे देख रही हूँ 4 बज गया, 4:15 हो रहा है। तो उसके बाद आलम थोड़ा 12 का सेट कर दिया। अभी हम वो रैब 50-50 बिस्किट, और ये मैंने लास्ट टाइम ख़रीदा था, मैंने एक बार या दो बार खाया, पता नहीं, उसके बाद मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था, फ्लाइट में ही आता था ना ये, और मिल्क बहुत खाती थी, पर आई डोंट नो दिस टाइम आई डिड नॉट लाइक इट। मतलब इतना 300 का था, वेस्ट हो गया मेरा, 300 समथिंग का था, कोई नहीं, पसंद ही नहीं है, मतलब गले से ही नहीं जा रहा है, लग रहा है कि होगा नहीं गाइस, तो नहीं रहेगा। मैं जा रही हूँ बाहर, आधार कार्ड पैन कार्ड सारा ले लिया, मेरा तो खाली प्रिंटिंग है जो निकाला था कल का। गाइस, और आई वांटेड टू गो आउट देयर आल्सो, जो मैंने कैन दिया था वहाँ पैसा दिया था, मैं भूल गई कल, आज वहाँ पर भी जाके आऊँगी। एंड आप क्यों लग रहा है कि भूल रहा है मेरा, नीचे जा रही हूँ, चीज़ भूल गई, वो म्यूजी जो था मुझे, वो आंटी खाती है नीचे, तो उनका बच्चा भी है एक दो, तो मुझे लगा उनको दे दूँगी, अगर वो खाएंगे तो उनको ही दे दूँगी, बोल के वो लेके आऊँगी। जैसे आज वेदर अच्छा है दिल्ली का, मतलब इट्स सनी पर इतना चिपचिप भी नहीं है, चिपचिप ऐसे होता नहीं, पर कभी कभी रेनफॉल का सीज़न है ना, भी थोड़ा हो जाता है, पर दिल्ली में बहुत धूप रहता है, वो ह्यूमिडिटी नहीं रहता जैसे चेन्नई में रहता ना। वो आज बड़ा छोटा सा 50-50 खाने का मन नहीं कर रहा, पर कभी कभी ब्रेकफास्ट में तब आ जाती हूँ ब्रेड से, गाजर, प्याज, 35 रुपीज़ का प्याज है गाइस। अब भैया बोल रहे थे एक ही गाजर क्यों ले रहे हो, एक पाव ले लो। भैया को क्या पता कि मेरे पीछे में चोरी होता है, तो जो खाना होता है वही लेना होता है, और थोड़ा सा मिर्ची। आज पता नहीं जल्दी भूख लग गया, सीधा बिरयानी था हीट कर लिया, एंड ये खा रही हूँ। I also have my please. टेस्ट ही भूल गई थी मैं इसका। मनीष बोल रहा था, मैं बोला क्या खाओगे, मैंने बोला बिरयानी कल का ही है, वो बोला पेट ना गड़बड़ हो जाए, सच में मेरा पेट ना गड़बड़ हो जाए। बिगड़ा हुआ तो नहीं है, कल का प्याज है, फ्रेश प्याज खाने में बहुत मज़ा आता है, कटा हुआ अच्छा नहीं, पर वेस्ट नहीं करना है, प्याज महंगा है अभी। इसे ही चोरी करके लोग आधा तो गुम ही कर देता, अभी तक वहीं पर है मेरा, मुझे लग रहा है रूम में रखना पड़ेगा प्याज।
Look at the sky. Cloud इतना pretty दिख रहा है पर मेरा फोन ना जस्टिस नहीं दे रहा है इसको. गाइस मैं तो ना धो लिया एंड आई एम योर अभी पढ़ाई कर रही हूँ. अभी मेरा ज़्यादा दिन नहीं है पर एग्जाम होने को एक हफ्ता से थोड़ा ज़्यादा होगा. गाइस ऊपर का वेदर इतना अच्छा है ना, मतलब आई थिंक बिकॉज ऑफ ये घर वगैरह यहाँ पर हवा नहीं आ रहा है, पर ऊपर इतना अच्छा वो ठंड ठंड वाला हवा आ रहा है, मतलब एकदम मतलब होता है गर्म नहीं है, एकदम अच्छा वाला फ्रेश हो रहा है. वाह पर क्या करें, यहाँ पर तो मच्छर आके मैंने तो ये फॉइल जला लिया है जो कि धुएँ धुएँ हो रही हूँ. थोड़े टाइम के बाद ऑफ कर दूँगी, धुआं से निकल जाएगा, फिर बंद कर लूँगी दरवाज़ा बिकॉज सफोकेशन होता है. मैं जब बंद होता है तो ये जला नहीं सकती एंड मच्छर आ ही रहा है. आओ 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 मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही आओ, मेरा ही तो खुला होगा, ये तो जलाना ही पड़ेगा. और गाइस गाइस और एक बात बोलना था, इग्नोर माय ये क्या बोलते हैं इसको आईब्राउज बिकॉज मैंने किया नहीं आई थिंक 2 महीना हो गया, क्योंकि मुझे ग्रो करना है सारा एक्स्ट्रा जोया जो भी हो, फिर उसके बाद ही एक बार निकालना है मोटा करके, बिकॉज बहुत पतला हो रहा था. एंड मैं क्या बोल रही थी कि आगे का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, आई थिंक मैं आने के 3 महीना बाद जितना हुआ होगा, ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ है. आई रिमेम्बर वहाँ पर आई थिंक 2 महीने से ही हो रहा होगा, शायद 2-3 महीने से. 5th फ्लोर लग रहा है, मतलब पैसा होता है तो लोग इतना जल्दी घर बना देते हैं. लाइक आई एम 5th, लाइक इमेजिन 5वां फ्लोर लगा रहे हैं, मतलब पढ़ाई करके मेरा आँख देखिए गाइस क्रेजी. एक्सक्यूज माई वॉइस, बैठ रहा है कभी कभी गला. एंड ऊपर मैंने मशीन में कपड़ा भी डाला हुआ है, धूप तो नहीं है पर फिर भी सुखा लूँगी. इट्स ऑल क्लाउडेड यहाँ तो फिर भी इतना है, वहाँ पर बहुत क्लाउड है, लग रहा है बारिश हो जाएगा पर थोड़े टाइम के लिए सुखा लेती हूँ. धूप 1 घंटा भी आ जाएगा ना दिल्ली का धूप से तो 1 घंटा के आधा घंटा ही काफ़ी है. देख कैसा है दिन, फ्लाइट भी आ रहा है वहाँ से. और मैं जिस बिल्डिंग का बात कर रही थी ना ये था, देखिए 1, 2, 3, 4 अभी ये 5th फ्लोर बन रहा है. बाप रे इतना जल्दी, बारिश तो होगा ही होगा, इससे पहले मेरा कपड़ा सूख जाए. चलो चलते हैं नीचे, बकेट भी लेना पड़ेगा चोरी हो जाए. सूख ये मेरा नहीं है कपड़ा, इस साइड का नहीं उसके पीछे भी है, एक बार में मेरा तो बहुत ही कपड़ा हो जाता है. देखिए आगे गाइस आप देख सकते हो मैं स्वेट कर रही हूँ, गर्मी था नहीं फिर भी सारा कपड़ा धुल गया पर एक नहीं धुला बेडशीट. आज थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने सोचा अच्छे से धुलेगा नहीं, टॉवल वगैरह भी था ना, अब मुँह धोऊंगी फिर पढ़ने बैठूंगी. गाइस दिल्ली का मौसम ऐसा है, बारिश होने वाला है. मेरा तो ये मैं कवर करती हूँ ब्लैंकेट से ना, ये हाँ पर सूख तो गया है ऑलमोस्ट, मुझे उठा दो बिकॉज बारिश हो जाएगा. मैं नहाने जा रही हूँ ना अब. लुक एट देम गाइस, गाइस मेरा तो दिमाग खराब हो गया. मिंत्रा वगैरह देख रही थी ना, क्योंकि जो एग्ज़ाम के लिए जाना है थोड़ा फॉर्मल होके जाना होता है. मेरे पास कपड़ा तो है पर उसमें थोड़ा मतलब इंटरव्यू टाइप को तो नहीं है, एग्ज़ाम ही है पर स्टूडेंट वाला थोड़ा फॉर्मल होके जाना है ना. तो मेरे पास पैंट वगैरह तो है पर वो पैरेलल वगैरह है ना, वो तो थोड़ा नहीं होता है, तो टेलर्ड वाला होता है ना, वो पैंट खरीदना. देख रही थी भाई पैंट जूता शर्ट देख रही थी, मुझे तो फ़ोन देख देख के प्यूकिश फील हो रहा है. मैं तो बाहर निकल गई, इतना अजीब सा फील हो रहा था, मुझे थोड़ा हवा ले लूँ. एप्पल जाना थोड़ा स्टार्ट हो गया, थोड़ा अच्छा तो लग रहा है. लेट्स सी अगर 100 की है तो नेक्स्ट टाइम ही खरीद दूँगी. बारिश
बिल्कुल पीनट बटर गाइस, खिचड़ी खाऊंगी आज तो। पर मैंने बीन्स बहुत पहले ख़रीदा था, पता नहीं बिगड़ गया कि क्या हो गया, फ्रिज चलता नहीं है अच्छे से। गाइस गॉट माय 200। लास्ट टाइम ही जाना था पर मैं भूल गई थी, और लास्ट टाइम एक बार गई थी तो वो थे नहीं जिससे मैंने पानी लिया था, आज मिल गया। एंड वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है तो मैं इससे बाहर जा रही हूँ। एंड कुछ और बोलना था, भूल गई, बाद में बोलती हूँ। गाइस मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था घर में, मतलब पीजी में, तो इतना जीबी ख़त्म हो गया कि अब नेट नहीं चल रहा है। एनीवेज मिलती हूँ आपको, मैं पहुँचने वाली हूँ वड़ा पाव की दुकान। मैं यहाँ पर आई हूँ एंड पैकिंग कर रही हूँ चार वड़ा पाव। मुझे और एक चीज़ खरीदना था पर आई थिंक ये सॉगी हो जाएगा, तो मुझे वीडियो भी बनाना है इसका, बिकॉज वड़ा पाव में पहली बार मैंने पहले भी खाया है यूट्यूब में पर मैंने मुकबांग नहीं किया है, तो उसका मुकबांग करूँगी। गाइस ये सब मिलता है यहाँ पर, मैंने ये वाला लिया है। मैंने मसाला वगैरह भी मैंने कभी नहीं खाया है, चीज़ भी नहीं खाया है, बिकॉज मुझे नॉर्मल वाला पसंद है, तो मैंने ये वाला लिया है। पैकिंग कर लिया, मुँह में पानी आ रहा है। मुझे ना उस तरफ जाना था पर अभी आई थिंक सौगी हो जाएगा, एंड आई कांट अफोर्ड दैट। मैंने कितना दिन बाद वड़ा पाव खाया है, तो सीधा जा रही हूँ घर। भिंडी और ये भी ले आए, इतना अच्छा नहीं था फिर भी, परसों के लिए कल के लिए तो खाना बना हुआ है, परसों के लिए। धूप फाइनली, कपड़ा सुखा दो। धूप में आधा घंटा भी चाहिए, 15 मिनट भी सही, अच्छा धूप हो तो, पर चाहिए मुझे धूप। गाइस ओ माय गॉड, गाइस धूप था नहीं, इन्होंने पाल मैं ब्रश वगैरह करके सीधा गई थी, पानी गर्म कर लिया। ऐसे तो मुझे एप्पल और पीनट बटर खाना था पर ये बर्न ही खरीदा हुआ था तब से। क्या क्या अजीब सा आ रहा है पता नहीं, कमरे में क्या होता है, कुछ होता रहता है, लाइट सेटिंग किसका सा आ रहा है ना बर्न मिला लो। तो ये भी खाना है, कब से खरीदा था, बिगड़ जाएगा। उफ मनीष को कॉल करूँगी अब। गाइस सी यू खाते खाते। कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है ना, आवाज़ है बहुत, फिर छोटी बन रहा है वहाँ का, लग रहा है जल्दी से छोटी बन जाएगा। ये मैंने कपड़ा मंगाया है, जैसे सी फॉर्मल्स है फॉर माय एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम है पर थोड़ा फॉर्मल होके जाना है, तो आई हैव ट्राउज़र बट वो फ्लेयर्ड वाला है ना, तो इट माइट लुक लिटिल फैंसी, आई नीड टू गो देयर एज अ स्टूडेंट। चलिए कि इंटरव्यू में जा रही हूँ कि थोड़ा मतलब होता है ना, आई कैन ड्रेस अप लाइक दैट, तो स्टूडेंट टाइप में जाना है, तो स्कूल टाइप का शर्ट ये वो मंगाया है। लेट्स सी आई एम गोइंग टू लाइक इट और नॉट। ओह गॉड कैसा अजीब सा आ रहा है। तो जूता भी मंगाया पर आई थिंक 2-3 दिन में आएगा, दो शर्ट दो पैंट मंगाया बिकॉज नहीं तीन शर्ट मंगाया होगा बिकॉज पसंद भी नहीं आ सकता है ना, तो एक मुझे किसी भी हद में रखना है, अगर पसंद आया तो आई होप आ जाए बिकॉज आई डोंट रिटर्न, आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। गाइस ऐसा है और ये मतलब ठीक ही आगे से तो लग रहा है पर पीछे से बहुत पता नहीं इतना टाइट मुझे अजीब सा लग रहा है, अनकम्फर्टेबल हो रहा है, मतलब यहाँ पर होता है ना, तो आई थिंक आई नीड टू चेंज द शर्ट मीडियम, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, स्मॉल ऑर्डर करना पड़ेगा बिकॉज ये फॉर्मल लुक का है ना, वरना तो एक्स्ट्रा स्मॉल नॉर्मली मुझे फिटिंग ही आता है H&M का, पर ये फॉर्मल हो के थोड़ा ठीक ही होगा शायद, पर आई एम नॉट यूज टू वेइंग सो टाइट अनकम, इसे करने में भी सीखें यहाँ पर। और पैंट आई थिंक थोड़ा ये आई थिंक टेलर नहीं होगा ये शायद, और थोड़ा लूज है।
गॉड, ये मैंगो से मंगाया था, ये तो बहुत ही लूज है। 27 है फिर भी इतना क्यों लूज हो रहा है? आई डोंट नो व्हाई, है ना जी। पर ये ठीक वाला था, ऐसे वाला चाहिए था, पर बहुत ही लूज हो गया ये तो पूरा, देखिए। हाँ गाइस, ये दूसरा शर्ट है, ये फिटिंग आ गया, कंफर्टेबल भी है, नॉर्मल पैंट नहीं है, तो आई हैव टू रिटर्न दिस। एंड वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैंगो का, तो इतना बड़ा था गाइस। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट ये मैंगो का प्रोडक्ट, मतलब आई हैव ऑर्डर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक मैंगो का मेरे पास आई डोंट थिंक कुछ होगा, मैंने कुछ पहले ख़रीदा नहीं है, तो आई एम सो नॉट श्योर। तो मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब कि कौन सा साइज़ है यहाँ पर। मैंने तो 27 ऑर्डर किया था, मुझे लग रहा है बड़ा वाला तो नहीं भेज दिया, इतना बड़ा उन्हें वेस्ट 39 दिखाया है, जो कि मेरा इतना वेस्ट तो है ही नहीं। तो गाइस मैं कंफ्यूज हो गई, दूसरा शर्ट भी आया है, ये तो पहले का है, दूसरा अच्छा लग रहा है मुझे तो इससे, पर ये कॉटन है, वो पॉलिएस्टर होगा शायद, एकदम स्कूल का शर्ट होता है ना वैसा टाइप का मटेरियल है। और ये अच्छा ही है पर बहुत छोटा पड़ गया, मतलब थोड़ा लंबा होना चाहिए ना यहाँ पर, बस मुझे बहुत फैंसी लग गई मैं। हाय गाइस, आई एम गोइंग आउट, मटेरियल खरीद के मैं सोच रही हूँ टेलरिंग करने दे दूँ, बिकॉज ना मतलब इतना टाइम हुआ है ट्राउज़र मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो लाइक जैसे मुझे मैंगो का बहुत अच्छा लगा था पर आते समय उल्टा आ गया ना, तो आई कांट टेक रिस्क, मेरे पास टाइम भी नहीं है ज़्यादा, बाद में बात करती हूँ। गाइस मैं एक टेलर के पास तीन टेलर के पास चली गई, दो तो वो स्टिच नहीं करेगा, एक के पास चली गई वो करेंगे मटीरियल का, दूसरा मैं देखती हूँ किसी और को, क्या पता चले वो मुझे ज़्यादा बोल रहे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना आइडिया यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर गाइस मैं निकल गई वड़ा पाव खाने, और सब पूरा वेस्ट हो गया टाइम। एक दो ट्राउज़र मुझे यहाँ पर मैं गई थी शाम को टेलरिंग करने के लिए, पर वो तो और भी झमेला है, कहाँ पर पीस मिलेगा, कहाँ क्या, टेलरिंग भी ज़्यादा ही बोल रहा था, एक बोल रहा था 1400, एक बोल रहा था 1000, तो मुझे लगा मटेरियल खरीदते वरीदते तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, वो ऑनलाइन से भी महंगा, जो ऑनलाइन ही मैंने एक दो मंगा लिया है, दो रिटर्न भी हो गया जो मुझे सब अच्छा नहीं लगा था, तो आई थिंक आई माइट ऑर्डर दो तीन ट्राउज़र, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, जो अच्छा रहेगा एक तो अच्छा लगेगा ही शायद, अगर नहीं भी लगा तो जो बड़ा आएगा अब ऑल्टर करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक दो सेव किया है, अभी जा रही हूँ खाने बिकॉज भूख लग रहा है, तो खिचड़ी भी है मेरा पर वो रात को खाऊंगी, अभी वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है तो वड़ा पाव खा लूँगी, एंड देखती हूँ पैंट का क्या होता है। जूता तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर देखने चली जाओ, स्कूल जूता मैं ऐसे सोच रही हूँ। मैं अभी लिबर्टी गई थी और बाटा गई थी, साइज ही नहीं है, 5 बहुत बड़ा हो गया और 4 है ही नहीं। आज मेरा लक थोड़ा चमक नहीं रहा है, मुझे वड़ा पाव वाला भी नहीं मिला, बिकॉज वहाँ पर कुछ चेक किया कुछ हो रहा था, तो स्ट्रीट वेंडर को सारा वो वहाँ पर चेन लगा रहा था, तो खाए नहीं, इतना खाने का मन था, एक कल खा के इतना अच्छा लगा ना, तो खाने का एप्पल्स ले आई खाली। गाइस मुझे फनी लग रहा है बिकॉज ना अभी मेरा ट्राउज़र आज मैंने बोला ही था कि मैं लेट से उठी थी, बिकॉज लेट सोई थी, 6 घंटे ही सोई हूँ, ट्राउज़र तो आ गया, ये 27 बहुत ही बड़ा हो गया मुझे मैंगो का, जो कि नॉर्मल मेरा साइज 26-27, कभी कभी 28 ब्रांड देख के होता है, 26-28 होता है, मैंने 24 मंगाया है, 25 मंगाना था, क्योंकि 27 जी जो बिकॉज 27 के हिसाब से 26 तो नहीं आएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो जो 25 मंगा लूँगी था नहीं, आई थिंक अवेलेबल नहीं होता है साइज इन लोगों का होता नहीं, 24 मंगा लिया, इतना वड़ा पाव खा लिया है अभी, आई डोंट थिंक मुझे होगा अभी ट्राउज़र पर, देखते हैं, आई होप हो जाए यार, रिटर्न नहीं करना है मुझे बाद में, और रिटर्न नहीं करूँगी मुझे रिटर्न तो एक बार, मुझे दूसरा प्लेस भी करना पड़ेगा ऑर्डर, बिकॉज ये मैंने बोला है ना आपको कि मेरे ये एग्ज़ाम के लिए थोड़ा फॉर्मल होकर जाना पड़ता है, इसीलिए गाइस एक मेरा नया पार्सल आया है और एक उसी का दूसरा पीस आया है 24 साइज, आई होप जो भी आया हो फिटिंग हो जाए यार एक ही बार में, मतलब मुझे इंस्टा वगैरह दिखना ज़ारा वारा एक्चुअली तो बहुत पसंद है ऐसे स्क्रॉल करना, पर अभी
अभी टाइम नहीं है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर कौन सा अच्छा लगेगा, फिर रिटर्न करो, फिर दूसरा ऑर्डर करो, देखो, टाइम वेस्ट हो जाता है बिकॉज मेरा एग्जाम भी नज़दीक है। आई जस्ट होप जो भी आए, प्लीज़ भगवान कुछ भी आया हो, अभी सब हो जाएगा तो मैंने और ट्राउज़र मंगाया है, और जूता मंगाया है, यही हो जाएगा तो मैं कैंसिल कर दूँगी।